Please. Be fine. In that jar, and she's. वेलकम बैक रॉकर्स। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में तीन मूवीज होने वाली है जो डायरेक्टर ने एक अलग लेवल की थिंकिंग को यूज करके इसको बनाया है और सब कुछ ऑडियंस पर छोड़ दिया है कि वो किस तरह से इसको समझती है। और हो सकता है कि इनमें से आपको कोई मूवी अच्छे से समझ में न आए क्योंकि ये आपको खुद से समझनी है कि ये किस तरह से हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली मूवी की शुरुआत में एक औरत को दिखाते हैं जो 13 साल से प्रेग्नेंट होती है। इतने सालों के बाद उसके शरीर पर उसका बच्चा कब्जा कर लेता है और उसका बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर ही बड़ा होता रहता है। फिर एक घर को दिखाते हैं जिसमें एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी रहती हैं। उस आदमी का नाम टाई है और वो अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर शहर से बाहर जाना चाहता है। हालांकि इस बात को सुनते ही वो औरत बहुत ही डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका पति उसको अकेले छोड़कर चले जाए। और अब अकेले रहने के डर से वो औरत अपने पति से भीख मांगती है कि वो ना जाए, लेकिन उसका पति उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो पहले ही फैसला कर चुका है कि उसको जाना है। तभी वो अपनी पत्नी को भरोसा दिलाता है कि वो अपने बच्चे के जन्म से पहले ही वापस आ जाएगा। अब जाने से पहले टाई अपनी पत्नी को एक बोतल देता है जिसके अंदर एक दवाई होती है जो उसे किसी ने दी होती है। वो दवाई तब तक उसकी पत्नी को प्रेग्नेंट होने से रोकेगी जब तक कि उसका पति वापस घर नहीं आ जाता। अब घर से बाहर जाते वक्त टाई उसे बताता है कि बोतल के अंदर रखी दवाई कई साल तक चलेगी। उसके बाद वो अपनी पत्नी को छोड़कर वहां से चला जाता है। बेचारी वो अपने पति का कई साल तक इंतजार करती है लेकिन वो कभी वापस नहीं आता। हालांकि उसको उम्मीद है कि उसका पति जरूर एक दिन वापस आएगा, इसलिए जो दवाई उसके पति ने उसको दी होती है वो उसको खाती रहती है ताकि जब तक उसका पति ना आ जाए वो बच्चे को जन्म दे सके। और अब ऐसे कर करके उसके पति को गए हुए 13 साल बीत जाते हैं और दवाई की बोतल पूरी तरह खत्म हो जाती है और पूरे घर में बहुत ही गड़बड़ हो रखी होती है, यानी कि पूरा घर बहुत ही अस्त व्यस्त हो रखा होता है। अब उसका बच्चा काफी बड़ा हो गया है, यहाँ तक कि अब वो बोल भी सकता है और अपनी माँ से भी बातें करता है। और अब पता चलता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो असल में लड़की है, यहाँ तक कि वो बोल भी सकती है और अपनी माँ से भी बातें करती रहती है, लेकिन वो अभी भी पेट के अंदर है जिसकी वजह से उस औरत का पेट बहुत ही बड़ा हो जाता है और इसकी वजह से उसका चलना तो लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए वो बेचारी घर के चारों ओर रेंग कर चलती है बिल्कुल लेट लेट के। अब एक दिन उस लेडी को दिखाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो 13 साल से ना ही ना हो। तभी उसके घर के बाहर से एक आवाज आती है और वो ये सोचती है कि वो शायद उसका पति होगा। फिर बेचारी रेंगती भी उस आवाज की तरफ जाती है, वो उसका नाम भी पुकारती है, लेकिन जैसे वो बाहर पहुंचती है तो देखती है कि वो उसका पति नहीं बल्कि एक बिल्ली है। फिर वो उस बिल्ली को पकड़कर मार डालती है और अपने घर के अंदर उसको काट देती है। फिर वो बच्ची अपनी माँ के पेट से जन्म लेने की बात करती है। अब उसकी माँ सोचती है कि अगर मैंने बच्ची को जन्म दे दिया और वो बड़ी होकर कहीं चलेगी तो मेरा क्या होगा। यानी कि साफ है कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है और लगता है कि उसकी बच्ची ये जानती है, इसलिए वो अपनी माँ को आराम करने के लिए उससे बात करती है। अब उनकी बात के आखिर में उसकी माँ उससे वादा करती है कि जैसे उसका पति वापस आ जाएगा तो वो उसको बाहर आने देगी। अब बाद में उस रात को वो औरत अपने बड़े पेट के दर्द की वजह से सो नहीं पाती। बड़ी मुश्किल से वो उस दवाई की बोतल तक पहुंचती है जो उसका पति उसके लिए छोड़कर गया था, लेकिन उसको पता लगता है कि वो दवाई तो पहले ही खत्म हो गई है। अब अपनी माँ के दर्द को सहते देखकर वो बच्ची कहती है कि माँ मुझको बाहर आने दो। उसकी माँ फिर उससे कहती है कि जब भी तुम बाहर आओ तो मुझको छोड़कर कभी मत जाना, और इसके लिए वो उससे भीख भी मांगती है कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अब जैसे ही वो बच्ची बाहर आने की कोशिश करती है तो उसकी माँ का पेट बड़ा स्ट्रेच होने लगता है जिसकी वजह से बेचारी की माँ मरी जाती है। फिर वो अपनी माँ के शरीर को ही अपना लेती है, यानी कि एक बेबी सूट की तरह उसको पहन लेती है। अब वो बिल्कुल आजादी की तरह घूम सकती है और बच्चे हुए अवशेषों को फेंक देती है। फिर वो अपने शरीर को और अपने घर को साफ करती है और अपनी जिंदगी मस्त जीने लगती है। अब एक सुबह जब वो चाय बना रही होती है उसके घर के दरवाजे पर किसी की आवाज आती है, और जब वो देखने जाती है कि कौन आया है तो उसको पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ का पति टाई है, यानी कि उसका पापा। वो उससे पूछती है कि वो इतने दिनों से कहाँ पर था, लेकिन वो कोई भी जवाब देने से मना कर देता है, हालांकि वो उसको कुछ भी नहीं बताता। अब इसी दौरान वो सोचती है कि वो मुझसे जरूर पूछेगा कि मेरा पेट इतना पतला क्यों हो गया है, तो वो उसको बता देती है कि उसने कैसे अपने बच्चे को खो दिया है। लेकिन टाई उसके साथ किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं दिखाता, वो सिर्फ उससे कहता है कि वो दूसरे बच्चे के लिए एक बार फिर कोशिश करेंगे। हालांकि वो उससे कहती है कि वो इस सब से फिर से गुजरना नहीं चाहती, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाती है। दोस्तों अब दूसरी मूवी देखते हैं जिसका नाम पिगी है। इसमें एक सारा नाम की एक बहुत ही मोटी लड़की की कहानी दिखाते हैं जो पूल में डुबकी लगाने का फैसला करती है, लेकिन उसका यह फैसला बहुत ही गलत साबित होता है जब उसे अपनी मर्जी के बिना पुल से बाहर बिना कपड़ों के आना पड़ता है और उसे अपने रास्ते में एक खतरनाक खूनी भी देखने को मिलता है। तो मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं एक गांव में एक छोटा सा पुल होता है जिसमें 15 से 16 साल की एक लड़की सारा उसमें डुबकी लगाने का फैसला करती है। हालांकि उसको ये नहीं पता कि पुल के आसपास एक वैन भी खड़ी हुई है, जिसका मतलब यह है कि उसके आसपास कोई ना कोई तो जरूर है।
वो बाथरूम में जाती है और जब बाहर आती है तो फिर सोचती है कि मुझे डुबकी लगानी चाहिए कि नहीं, लेकिन वो सोचती है कि लगाने से मेरे को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, इसलिए वो पुल में डुबकी लगाने का फैसला कर ही लेती है। तभी दिखाते हैं कि पुल के पास बहुत सी चीजें पड़ी हुई है, जिसका मतलब है सारा ही अकेली वहां नहीं है। और ठीक पुल के बाहर कांच के कुछ टूटे हुए टुकड़े और एक फोन भी पड़ा होता है, लेकिन सारा का ध्यान उन पर नहीं जाता। और जैसे वो पुल के अंदर जाने लगती है, एक आदमी पुल के बाहर से बाहर निकलता है और उसको देखकर सारा पुल के अंदर जाने से रुक जाती है। हालांकि इससे पहले कि वो और कुछ करती, तीन लड़कियां वहां पर आ जाती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो बेचारी सारा को सुअर बुलाती है और उसको चिढ़ाती भी है कि वो देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड पानी में तैर रहा है। हालांकि उस आदमी और सारा के बीच कोई भी संबंध नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ उसको चिढ़ाने के लिए कह रही होती है। वो सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि वो तीनों लड़कियां कैसे सारा का मजाक उड़ा रही हैं। अब दूसरी ओर सारा उनको इग्नोर करके पुल के अंदर छलांग लगा लेती है और फिर उन लड़कियों की इतनी बातें सुनने के बाद वो आदमी वहां से बाहर चला जाता है। तभी पुल के नीचे एक आदमी को दिखाते हैं जो बंधा हुआ है, उसका गला भी घोटा गया होता है, लेकिन सारा का इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता। और जब वो पानी के ऊपर आती है तो उसको वहां पर वो लड़कियां नहीं दिखाई देती और फिर उसको थोड़ी शांति मिलती है। हालांकि तभी वो लड़कियां आती हैं और उसके सर को किसी चीज से कवर कर लेती हैं, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में भी काफी परेशानी हो रही होती है। अब सारा उस जाल में से निकलने की कोशिश करती है और वो इतना परेशान हो जाती है कि वो उन तीनों में से एक लड़की को बुलाती है, क्योंकि उनमें से एक उसकी दोस्त भी है। अब ये दिखाते हैं कि सारा और क्लाउडिया बहुत ही अच्छे दोस्त थे और यहाँ तक कि उन दोनों के हाथ में एक जैसा बैंड भी होता है। सारा लगातार क्लाउडिया से मदद मांगती रहती है, लेकिन वो उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं करती। अब इसकी जगह क्लाउडिया सारा के कपड़े उठाती है और उन्हें लेकर बाकी लड़कियों के साथ वहां से भाग जाती है। सारा अपने कपड़े ढूंढती है लेकिन उसको वहां कहीं नहीं मिलते। अब कोई और चारा न होने की वजह से वो सड़क पर बिना कपड़ों के चलने लगती है। तभी बीच रास्ते में उसको कुछ लड़के मिलते हैं जो उसको परेशान करते हुए उसको कई नामों से चिढ़ाते हैं और उन लड़कों में से दो लड़के उतरकर उसको सड़क के किनारे कर देते हैं। और इस सब की वजह से वो अपने घर जाने के लिए दूसरा रास्ता चुनती है। फिर जब वो नए रास्ते से जा रही होती है तो वो अपने रास्ते में वैसी एक वैन देखती है जो उसने कुछ समय पहले पुल के पास देखी थी। वैन का मालिक झाड़ियों से बाहर आता है और वो वही सेम आदमी होता है जो पुल में दिखा था, और उसके कंधे पर एक बैग भी होता है जिसको देखकर लग रहा है कि उसमें किसी का शरीर हो सकता है। इसी बीच वैन सारा के पास आती है और उसके सामने रुक जाती है। फिर जब वो गाड़ी के ड्राइवर को देखती है तो वो वही आदमी है जो पुल में मिला था। वो यही सोच रही है कि आखिर उस आदमी को चाहिए क्या। तभी इतने में वो आदमी सारा के कपड़े अपनी वैन से बाहर फेंकता है और उसी वक्त खून से भरी क्लाउडिया वैन के पीछे रोते हुए मदद मांग रही है। अब सारा ये सब देखकर बहुत ही डर जाती है और ये भी सोचती है कि कहीं उस आदमी का अगला शिकार वो तो नहीं है, और खड़े खड़े वहां पर टॉयलेट भी कर देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि क्लाउडिया खून में सनी होती है जिसको देखकर तो कोई भी परेशान हो जाएगा, लेकिन सारा उसे उसी तरह अनदेखा कर देती है जिस तरह क्लाउडिया ने उसको कुछ समय पहले किया था। और फिर आखिर में सारा उस आदमी की तरफ हाथ लहराकर उसको जाने के लिए कहती है। वो आदमी भी उसकी तरफ हाथ लहराता है और क्लाउडिया को अपनी वैन के पीछे से वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो गाड़ी वहां से चली जाती है, सारा अपने कपड़े उठाती है और उनको पहन लेती है। उसके बाद वो पुलिस को भी फोन करती है लेकिन कोई फोन ही नहीं उठाता, और आखिर में वो अपने फोन में गाना लगाती है और मस्त अपने सर पर हेडफोन लगाकर अपने सफर की शुरुआत करती है। तो दोस्तों, तीसरी मूवी जिसका नाम है टू स्ट्रेंजर्स हू मीट फाइव टाइम्स, उसमें दिखाते हैं कि कैसे दो आदमी अपने भविष्य को अनप्रिडिक्टेबल छोड़ देते हैं। वो पहली बार तब एक दूसरे से बीच पर मिलते हैं जब वो बहुत ही छोटे होते हैं, और बाकी जितनी भी बार वो मिलते हैं उसकी एक अलग कहानी है जो हम आपको बताने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक आदमी पैसे निकालने वाली जगह पर होता है। उस आदमी का नाम एलिस्टर होता है और वो थोड़ा जल्दी में भी है, लेकिन उसको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है जब एक समीर अजीज नाम का आदमी पैसे निकाल रहा होता है। और समीर पैसे निकालने में इतनी देर लगाता है जिससे एलिस्टर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और जिसकी वजह से वो उसको नस्लवादी कह लेता है और एलिस्टर समीर के धर्म की भी बेइज्जती करता है। फिर जैसे समीर वहां से पैसे निकाल लेता है, एलिस्टर की बातों की वजह से समीर भी वहीं पर रुका रहता है और एलिस्टर का सामना करने के लिए वो बिल्कुल तैयार रहता है। फिर दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है, लेकिन समीर जैसे ही सोचता है कि कहीं ये बहस लड़ाई में न बदल जाए तो वो वहां से चला जाता है। ये दूसरी बार था जब वो मिले थे। तीसरी बार जब वो मिलते हैं तब एलिस्टर को एक कंपनी में काम करने के लिए रखा गया होता है, और उस कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि समीर ही होता है। एलिस्टर को अपने इंटरव्यू में कुछ अच्छे शब्द सुनने को मिलता है जिसकी वजह से उसको लगता है कि उसको एक काम मिल जाएगा, और ऐसा उसे तब तक ही लगता है जब तक कि वो कंपनी के मालिक से नहीं मिल लेता। एलिस्टर को एक आदमी बताता है कि उसे कंपनी के मालिक से मिलना है, और फिर एलिस्टर कंपनी के मालिक का इंतजार कर रहा होता है, और जब वो वहां आता है तो एक दूसरे को हेलो कहते हैं। पहली बार तो वो एक दूसरे से शांति से मिलते हैं, लेकिन कुछ देर बाद समीर को लगता है कि वो दोनों पहले कहीं मिले हैं, और वो उससे ये बात पूछता है कि वो पहले कभी मिले थे क्या। हालांकि एलिस्टर उसको कहता है कि मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं, लेकिन समीर को इस बात पर यकीन होता है कि वो पहले पक्का कहीं मिले हैं। समीर को कुछ ही सेकंड लगते हैं और उसको याद आ जाता है कि एलिस्टर वही आदमी है जो पैसे निकालते वक्त उसके साथ बदतमीजी कर रहा था।
अब जैसे उसको ये बात याद आती है तो समीर का चेहरा गुस्से में आ जाता है और एलेस्टर को वो काम ही नहीं देता। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और वो दोनों एक बार में मिलते हैं। एलेस्टर के पास न रहने के लिए घर है न खाने के लिए कुछ, और अब समीर एलेस्टर के बारे में लगभग सब कुछ भूल ही चुका है। लेकिन एलेस्टर को किसी तरह समीर याद आ जाता है। समीर बताता है कि उसे एलेस्टर के बारे में कुछ भी याद नहीं है, और एलेस्टर उससे बताता है कि कैसे तुमने कुछ साल पहले मुझे कंपनी से निकाल दिया था। लेकिन समीर को फिर भी याद नहीं आता। अब समीर एलेस्टर से कहता है कि मैं एटीएम से पैसे निकाल कर कुछ देर में वापस आता हूँ। अब कुछ मिनट बाद समीर कुछ पैसों के साथ उसके पास आता है, और समीर की यह हरकत एलेस्टर का दिल छू लेती है। एलेस्टर उसके दिए पैसे को रख लेता है और रोते हुए उसका शुक्र अदा करता है। समीर भी उसको शुभकामनाएं देता है और वहां से चला जाता है। और उसके बाद हमें तब का सीन दिखाते हैं जब वो पहली बार मिले थे। वो दोनों पहली बार एक बीच के पास मिले थे, जहां पर वो दोनों एक रेत का महल बना रहे थे, और समीर जो उन दोनों में सबसे बड़ा होता है वो एलेस्टर को बता रहा होता है कि रेत को बाल्टी में डालना है। हालांकि जल्दी एलेस्टर की माँ उसको लेने आ जाती है ताकि वो वापस घर जा सके। दोनों माँ और बेटा समीर को वहां अकेला छोड़कर चले जाते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं जब वो पांचवी बार मिले थे। इस बार वो दोनों बूढ़े हो चुके हैं, खास करके समीर। समीर अब बोल भी नहीं पाता, और वो बूढ़े लोगों के एक खास घर में होता है और एलेस्टर वहां पर काम करता है। और फिर घर पर एक नौकर के साथ अनजाने में एलेस्टर समीर के कमरे में चला जाता है, और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तब एलेस्टर समीर को बताता है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। अब समीर इस बात को सुनकर बहुत ही खुश होता है और वो एक दूसरे को देखकर बहुत हंस रहे होते हैं। तभी एलेस्टर समीर को गौर से देखने लगता है। वो समीर से पूछता है कि क्या वो पहले कभी मिले हैं, और हालांकि समीर एकदम से जवाब नहीं देता और उसको देखकर हंस देता है और उसे कहता है कि हाँ वो मिले हैं। दोस्तों मुझे पता है कि आप कह रहे होंगे कि ये आज क्या लेके आ गया। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जो डायरेक्टर ने एक अलग ही लेवल की थिंकिंग को सोचकर बनाई गई है, और सब कुछ ऑडियंस पर छोड़ दिया है कि वो किस तरह से इसको समझती है। बाकी दोस्तों हमने भी यही सोचा था कि आपके लिए कुछ नया लेकर आए, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।